हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल टू दिस वंस अगेन कीपिंग द ट्रेडिशन ऑन एंड डूइंग दालिस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर द वेरी सेम डे ऑफ यूर एग्जाम पाँच बज के चार मिनट में मैंने पेपर टेलीग्राम पर शेयर किया था कुछ फीडबैक्स हमारे पास आए स्टूडेंट्स के एंड लेट्स क्विकली गो थ्रू दो विद और उसके बाद एक क्विक डिस्कशन करेंगे इस वीडियो का बिफोर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज वन मीट फॉर students of december 21 who have just given the exam and are not reasonably confident and are in some doubt any student who has done the paper and is feeling very well and is very focused for the next exam should absolutely not watch this video if you are a student of 22 later you क्या लग रहा है आपको कैसा होने वाला है चलिए तो पेपर का एनालिसिस क्या है हाउस लोगों ने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब जगह दिखा किसी ने शेयर किया काव्या ने बहुत अच्छा कमेंट दिया थैंक यू वेरी मच हावर वॉट वी आर गोइंग टू डू इज लेट मी शो यू पेपर पढ़ के सबसे पहले तो हेडिंग देखी एफ एस टी तो ऐसा लगने लगा कि यार एफ एस टी है या फास्ट है समझ नहीं आ रहा है क्या है एनी विच वेज बट शायद पॉसिबली इस पर्टिकुलर पेपर में देर इज समथिंग रियली रियली बिग टू चेयर अबाउट पेपर प्रमैल्यूज फ्रॉम स्टडी मटीरियल एमटीपी एंड आरटीपी क्वेश्चन एब्सोल्यूटली नो डाउट अबाउट इट हवेवर स्टडी आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चंस को ले तो दे मेंवर ऑल ऑफ दिस हमने एक एफ आर पावर बैच निकाली थी जिसमें हमने फिफ्टीन लेक्चर्स प्लान करके सेवनटीन लेक्चर्स में पूरे एफ आर को कवर किया था एंड एन दीज से होल ऑफ एफ आर

ज वेरी मच होफुल क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन के मे भी कोई रिवर्स या, या, एक्शन के कॉन्प्ट से आ सकता है एंड यू विल है दोस्तों जो से पंद्रह मार्क का आया नॉ मटीरियल स्टडी मटीरियल ए एक्स लिमिटेड बी एक्स लिमिटेड जिसकी दो वेरायटी थी एक उसे सॉल्व करना था कॉमन कंट्रोल जैसे और दूसरा करना था एज इफ इट इज नॉट कॉमन कंट्रोल बट द बिगर कमनीर इन द स्मॉलर वन और सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करना था

इन टोटल इन द पेपर एंड आउट ऑफ दी सेवेंटीन क्वेश्चन के क्वेश्चन थे एक सौ बीस मार्क्स का पेपर विद ऑप्शनल क्वेश्चन एक बार मैं पेपर के सारे क्वेश्चन और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ आई होप थिंग्स आर वेल और इट इज वेल विजिबल आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट दटलीस्ट आई वुड जस्ट पॉसिबली डू इट एट दी एंड

गए बैंक के पास और कहा इसे मॉडिफाई कर दो बैंक ने बोला ऑफ इन फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखना था पर क्योंकि ई दिया हुआ है वो ई सेट तभी होगा जब आप उसे फाइव इक्वल एन्यमेंट मानेंगे तो पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है अज्यूमिंग पांच इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में सेकेंड ईयर एंड में इंटरेस्ट पे किया प्रिंसिपल पे नहीं किया और बोला कि भाई अब बचा हुआ पैसा हम आपको नेक्स्ट एट इयर्स में पे करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट हो जाएगा इनिशियली देर वॉज इनिशियल डायरेक्ट कॉज बट मॉडिफिकेशन पे किसी प्रकार की कोई लीगल प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं थी क्वेश्चन सिंपल था मॉडिफिकेशन के कंसेप्ट लगाने थे एग्जैक्टली exactly आपको करना यह था कि आपको सबसे पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टेन दिया हुआ है इनिशियल लोन का अमाउंट आपका 95 लाख माइनस एट जीरो आएगा उस परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस आपका जो होगा वो नाइन्टी फाइव लाख पे टेन परसेंट नाइन पॉइंट फाइव लाख होगा प्लस इंस्टॉलमेंट 19 लाख की पे होगी बैलेंस बचेगा उस उसपे नेक्स्ट ईयर फिर आपको टेन से ब्याज लगाना है एक्चुअल पेमेंट आपके इंटरेस्ट का जो होगा दैट विल बी सेवन पॉइंट इन द सेकंड ईयर क्योंकि आपका लोन उतने का ही बचा था प्रिंसिपल इन द टर्म्स ऑफ बैंक एंड फिर जो बैलेंस आपका बचेगा उसको अब आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है नहीं इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल बनाना पड़ेगी 76 की जो बैंक के पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस उसके ऊपर जो ब्याज लगते जाएगा जो हर साल कम होते जाएगा एट फिफ्टीन परसेंट इससे टोटल कैश आउटफ्लो फॉर द नेक्स्ट एट ईयर निकालेंगे उसको आपको डिस्काउंट करना होगा गिवन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से और वो डिस्काउंट करके फिर आपको देखना है कि जो कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में आ रहा है और जो रिवाइज कैश आउटफ्लो से जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है उन दोनों में जो डिफरेंस है क्या वो दस परसेंट से ज्यादा तो नहीं है अगर वो है तो सब्सटियल मॉडिफिकेशन है फिर उस केस में जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपने मॉडिफिकेशन किया है उसको हमें फिर हमारा बेस मानना पड़ेगा और मानना होगा कि पुराना लोन डी रेकग्नाइज हो गया है और नया लोन हमने रेकग्नाइज किया लेकिन अगर डिफरेंस टेन परसेंट से ज्यादा नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपको मानना है सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है फिर आपके रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोस को आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो आज आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा है उस पर लेकर आना पड़ेगा एंड जो रिवाइज्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहेगी उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन करने

अगला क्वेश्चन वन इंडिया वन के ऊपर आया था एंड दिस वाज वन मार एट मार्क क्वेश्चन पावर की हमारी स्ट्राइकर में दिया हुआ क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन था इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है सबसे पहले कहा गया है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट अप्रिली फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने वाले हैं हम चाहते हैं कि हमारे लैंड को फेयर वैल्यू पे मेजर करें कर सकते हैं अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा था कि इन सबका रिजर्व पे और एक रिकनसिलेशन ऑफ इक्विटी कैसे बनेगा तो दैट इज बेसिकली वॉट द डिस्कशन वॉज सो इन दैट सेंस सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस इफ यू सी नंबर वन आप फेयर वैल्यू ले सकते हैं और 95 फाइव माइनस फोर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव आपके रिजर्व में एड हो जाएगा एवरी चेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन फ्रॉम द रिटेन अर्निंग वहां से एडजस्ट हो जाएगा यू डोंट रियली क्रिएट अर वैल्यूएशन रिजर्व फॉर इट दैट्स टू बी नोटेड और इसमें डेफर्ट टैक्स का इंपैक्ट स्पेसिफिकली नहीं देने के लिए कहा गया था चलिए देन आफ्टर दैट

नॉन इंटीग्रल ऑफ ब्रांच अगर आपकी पहले थी उस पर आपने एफसी टी आर यानी कि आपने एक रिजर्व बनाया होगा वो रिजर्व को आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो तो ये भी दो रिजर्व दो लाख आपके रिटेन अर्निंग्स में चले जाएंगे देन आपने सब्सिडी के इन्वेस्टमेंट को एस एफ एस में अगर फेयर वैल्यूएशन पे लेने की बात की दैट्स एक्सेप्टेबल तो उसका एडजस्टमेंट होगा एंड देन उसके बाद में आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी क्लासिफाई करना है तो ये रिकंसिलिएशन ऑफ इक्विटी को इम्पैक्ट करेगा पर रिजर्व पे इम्पैक्ट नहीं आएगा बाकी सारे रिजर्व को आपको डेटा दिया था दो चीजें आपसे पूछी थी एक रिजर्व में क्या इंपैक्ट आएगा तो आप टोटल रिजर्व में एडजस्टमेंट करके टोटल रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी ये बता देंगे और रिकंसिलिएशन में आप बताएंगे ओपनिंग कैपिटल इक्विटी कितनी थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कारण क्या चेंज हुआ रिजर्व के क्या चेंज हुआ और उससे आप रिकनसाइल करोगे इक्विटी को अंडर द थिंग्स चलिए जी ओके उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सन लिमिटेड मून लिमिटेड अमलगमेटेड दिस वाज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ ए एक्स लिमिटेड बी एक्स लिमिटेड स्टडी मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन उसमें दो तरह से सॉल्व करने के लिए कहा गया कॉमन कंट्रोल हो तो क्या और नहीं है तो क्या इसमें हिसाब साफ, साफ कहा गया कि लार्जर एंटिटी विल टेक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस लार्जर एंटिटी कैसे पता पड़ेगी तो एट विल बी प्रमैनली बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू बिजनेस की फेयर वैल्यू क्योंकि मून लिमिटेड की सन से ज्यादा है तो माना जाएगा कि सन प्लस मून मिलकर नई कंपनी बन रहे बट मून सन को एक्वायर कर रहा है तो मून की सारी एसेट्स असेट्स लाइबिलिटी पे आएंगी सन की सब कुछ हमें फेयर वैल्यू पेड़ेगी गुडविल भी संघ का यहाँ पे रिकॉन्नाइज होगा टोटल पीसी अगर डिफाइंड नहीं है तो दोनों की शेयर कैपिटल के बराबर होता है उसका लोकेशन इन द प्रपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू में करना पड़ेगा नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वाज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडे सेवन आई वाज एक्सपेक्टिंग इंडिया सेवन का शायद इस बार क्वेश्चन आए क्योंकि रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं इंडिया सेवन और थर्टी फोर अन सरप्राइजिंगली इनफैक्ट दोनों के क्वेश्चंस रिपीट इस बार पूछे गए इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने कहा कि हमने एक लैंड खरीदी और एक बेची क्या नेट करके शो कर सकते हैं नहीं आपको ग्रॉस करना पड़ेगा अनलेस नेट सब्सटेंस दिखाता है इस केस में वैसा नहीं सॉरी अनलेस बहुत लार्ज टर्न होते हैं या आप किसी और के भी आपको ट्रांजेक्शन करते हैं तो यही कैश फ्लो में नेटिंग ऑफ अलाउड है नहीं है यहाँ पे अलाउड आपको अलग अलग दिखाना है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इंडायरेक्ट मेथड से आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है शुरू करोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर आप डिप्रिसिएशन ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ असैड्स एड बैक कर दोगे और उसके बाद फिर आपके करंट असेट्स और लाइबिलिटी के जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को आप लिस्ट करके यू विल कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग कैश्लोज इन डायरेक्ट से सेक्ट मेथड में अगर जाते तो वो इनफैक्ट इन मेथड से ही आपको पूछा है और कैश्लोज फ्रॉम ऑपरेशन ही पूछा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो बनाने थे छह मार्क के लिए के आप बच्चे की जान लेंगे ओकेउट इट चलिए स्ट्राइकर इट वॉज रियलीफुल थैंक यू सलोनी थैंक एग्जाम लास्ट अटाइम बट कॉन्सेप्ट फ्रेश इन माइंड और ये देख रहे हैं बहुत बढ़िया सर लेंदी और एग्जॉस्टिंग था पेपर पहला पेपर कहीं को लेंदी लगता है इसका कारण कई बार पेपर भी लेंदी आता है और दूसरा हमारी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री ए पे आते हैं पावर इट से बात है हमारी जो रेगुलर बैच की स्ट्राइक है उसमें तो होगा ही होगा क्योंकि पावर इज अबसेट ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने दस हजार दो सो टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फॉरन करेंसी में थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को फंक्शनल करेंसी आए आए पर फॉरन करेंसी में हमने एक इक्विपमेंट परचेस किया इस दिन के स्पॉट रेट पे इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है मेथड फॉलो किया तो इसे रिवैल्यू करेंगे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यह है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि डिप्रिसशन चार्ज नहीं करना है इन्होंने नहीं कहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेटीरियल में सोल्यूशन किया उसमें अज्यूम किया इनफैक्ट अपन ने हमारे स्ट्राइकर में नोट डाला इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल नहीं है इस क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना होगा कि कंपनी रिवैल्यू कर रही है और डेप्रिसिए चार्ज नहीं कर रही है क्योंकि डिप्री का रेट इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है एंड देन पेमेंट सप्लायर को किया उसका तो जो भी गेन लॉस होगा प्योर में जाएगा इट विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ योर असैट और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट दिपमेंट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट ईयर में सेम रही है आपको अलग अलग डेट के रेट्स दिए हुए गया लाइबिलिटी आपकी चेंज होती रहेगी और असेट फर्स्ट ईयर एंड में फेयर वैल्यूएशन के कारण चेंज होगा गेन एनआर के थ्रू रूट किया जाएगा बट सप्लायर पे जो आपका गेन लॉस होगा दैट विल बी रूटेड थ्रू एल आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे देनी है मॉडल फॉलो कर रहे हैं ध्यान रखना कि इसमें इंडियस ट्वेल्व का भी इंपैक्ट आएगा इन टैक्स के कैल्कुलेशन का भी इम्प्लिकेशन आ सकता है क्योंकि आपको टैक्स रेट दी गई चलिए देन वी आर अनदर क्वेश्चन विच वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडेस इंडेस्ट मैंने कहा था कई समय से इंडेस इंडस्ट्वेल्व नहीं आ रहा है इस बार एक्सपेक्टेड है दिस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम इंडेस ट्वेल्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन स्टडी योर स्ट्राइकर एफआर पावर स्ट्राइकर एवरीवेर बार बार क्या वही बात बोल हो सर इसमें कहा गया एक आपके डी है और उसके बाद कहा गया आपके डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है पर कमी लॉसेस में और लग रहा आगे भी लॉसेज में रहेगी टैक्स बीस परसेंट तो नॉर्मली ऐसे केस में हम डीटीएल तो बनाते हैं लेकिन डीटीए नहीं बनाते बट डीटीएल टू दी एक्सटेंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस एग्जिस्टिंग हम क्रिएट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वन डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका मतलब थर्टी वन पर एनम का मेरा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जो आगे जाके रिवर्स होगा या डी टी एल क्रिएट करेगा और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो दिस इज जस्ट सिक्सटीन पर एनम डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस तो उस टेक्निकल एंगल से मैं इसके ऊपर डी टी ए क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इससे ज्यादा टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है रेफरेंस में इंडस्ट ट्वेल्व में कहना होगा कि डी टी ए का बनाया जा सकता है जब टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की हमारी प्रोबेबिलिटी हो या फिर हमारे पास सफिशियंट अगेंस्ट इसको सेट ऑफ किया जा सकता है के डिफरेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के राइट ऑफ से सेट ऑफ किया जा सकता है इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि हमारे टैक्सेबल डिफरेंस ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए ये सेट ऑफ हो पाएगा तो हम नेट अमाउंट से डी टी ए डी टीएल इन फैक्टिस में डीटीएल आएगा बुक्स में रेकग्नाइज कर देंगे तो आपको ट्रीटमेंट डिस्कस करनातीस मार्च दो हजार इक्कीस पे यू लाक टू अकॉर्डिंगली टू इट दिस वॉज बेसिकली योर क्वेश्चन विद वन वन फाइव बीस लाख की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है और दर इज नो चेंज इन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ट्वेंटी टू लाख की आपकी फिक्स ट्रांजेक्शन प्राइस है लेकिन इसके अलावा आपको इंसेंटिव फीस दी गई है सेम क्वेश्चन आपका स्टडी मटीरियल स्लाश आरटीपी एम टी पी में आपकी स्ट्राइकर पावर में भी है वहाँ पे आई थिंक फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ट्वेंटी टू लैक्स दिया हुआ है वहाँ पे वन मिलियन दिया हुआ है यहाँ पे क्या कहा गया है आपकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है आपने अगर टाइम पर काम कर दिया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा एनडीटी को लगता है कि या तो ये होगा या ये होगा और बाइनरी आउटकम में नॉर्मली हम क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबल आउटकम लेते हैं तो शुरू के तीन सालों तक उनको लग रहा था कि हमें यह इंसेंटिव मिलेगा तो आपको शुरू के तीन सालों तक ट्रांजैक्शन प्राइस 22 लाख ,00 प्लस 2 लाख ट्वेंटी कर देनी है फोर्थ ईयर में एस्टिमेट चेंज हो गया तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे चेंज होगा तो आप फोर्थ ईयर में मानेंगे आपका टोटल रेवन्यूज फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आप एड करेंगे टोटल रेवेन्यू किसमें में ट्वेंटी टू लाख में तो टोटल कंसड्रेशन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ तक टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क कम्प्लीटेड के बेसिस पे देन यू विल कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें रेवेन्यू और क्वेश्चन में भी यहाँ पे कहा गया है कि आप पर का रेवेन्यू अलग निकालो और चेंज इन एस्टिमेट के कारण अलग से कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो निकालें तो फोर्थ ईयर में आप क्या करेंगे चारों साल में जो टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है वो इनटू जो अब आपको लग रहा है एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा इज उसका आप एडिशनल रेवेन्यू बुक करोगे द लॉजिक इज जब भी आपका चेंज इन एस्टिमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस होता है तो उस केस में आप उसकेटिव कैचअप बेसिस पे एज इन पिछले को रजिस्ट्रेड करने की बजाय ये सोच के कि आज टोटल रेवेन्यू आज कितना वर्क कंप्लीटेड है कितना बुक हो जाना था कितना बुक कर दिया उतना एडिशनली और रिक्नाइज कर देते हैं वो लॉजिक से आपको बुक करना पड़ेगा So, that is basically what the logic is uh, with respect to. <coughs> <coughs> okay. Just give me a second. And then will the next चलो भाई कोई भाई साहब नाराज हो रहे हैं कई बार मुझे मिलती है बट नेवर दिस आई नो हेल्प सडन सेट ऑफ पीपल दैट इज वाई से इट इज रेलिवेंट फॉर ओनली सेट ऑफ पीपल चलिए ये हमारा डिस्कशन हो गया नाउ इसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज क्वेश्चन नंबर फोर ए फोर ए किसके ऊपर था ये हमारा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ मशीन जेसन लिमिटेड वन वन टू थाउजेंड एटीन टर्म सिक्स इयर्स फर्दर टू इयर्स कैलेंडर ईयर रज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व करना है आपको

आपका कोई भी चेंज होता है लीज लाइबिलिटी चेंज नहीं करते हो लेकिन अगर आपका होता है, तो case, आप करते हैं क्योंकि यहां पे दोनों चीजें सेम डेट पर हुई है तो आप इफेक्टिवली उसको अलग अलग सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप एज ए इंडेक्स रेट चेंज विद ओल्ड फैक्टर और फिर रिवाइज रेंट एंड रिवाइज लाइफ विद न्यू फैक्टर Ultimately, in both the cases, जो भी difference होगा, that gets adjusted from right of use asset and the lease liability. Nothing goes to PRL in that sense. तो इसके लिए आप solve करने के इसके दो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं. दोनों ही केस में आपका answer same आएगा. Ultimately, आपको नया discounting factor जब change हुआ है, तब use करना पड़ेगा. Simple question था 102 से related, जिसमें आपको cash और equity alternative दिया गया था. इसमें आप normally देखोगे क्या कि initial date पे grant है. आर डेट फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर विद रिस्ट्रिक्शन तो ये इक्विटी सेटल के लिए रेलवेंट है एंड दिस इज फॉर स्टॉक अप्रीसिएशन राइट इन दोनों के बेसिस पे आप प्रोविजन निकालोगे इक्विटी सेटल का अगर कैश से ज्यादा है तो उसका इक्रीमेंटल जो अमाउंट है उसको ओवर द वेस्टिंग पीरियड आप इक्वली एक्सपेंस बुक करोगे एंड यू विल क्रिएटेड इन एस बीपी रिजर्व बाकी आप ये मानोगे कि ये पूरा क्वेश्चन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का सॉल्व कर दोगे क्योंकि इसमें आखिरी में कैश ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है तो एस रिजर्व का बैलेंस आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे पी ओर एल से तबरूक नहीं करेंगे चलिए नेक्स्ट इसके बाद अ क्वेश्चन ऑन फार्मा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल आइटम्स इट आज शोन अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 नाउ दिस दिस वाज क्वेश्चन ऑफ 34 एंड इज वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो ट्वेंटी पूछा जा रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि ये शायद इस बार नहीं आएगा बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया हमारी एफ पावर की स्ट्राइकर में ये पहला क्वेश्चन है हालांकि फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रेनसिवनेस हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कुछ भी करना नहीं है आपको एडजस्टमेंट दिए हुए कौन से प्रॉफिट इस साल में एडजस्ट करना है या माइनस एडबैक करने है उससे रिलेटेड है

रिलेटेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी हुई है और उनको दोनों को आपको एक वेट देखिए ऑप्शन में था आई डोट थिंक किसी ने चूज किया होगा करने के लिए मार्केट वैल्यू अप्रोच से ये वैल्यू एज इट इज लेते हैं इनकम अप्रोच से क्या होता है जो फ्यूचर में इनकम होगी उसके बेसिस पे वैल्यू निकलती है तो ईयर जीरो के कैश फ्लोज और एडजस्ट करना पड़ते हैं तो उसमें आपको ये माइनस और ये प्लस करना होगा एंड फेर वैल्यू सरप्लस असेट्स एंड लाइबिलिटी एज एन ये मान रहे हैं कि इसके बिना भी ये आइडियल लाइबिलिटी है तो इससे वैल्यू निकलेगी फिर इसको आपको एक रेशियो दिया हुआ है कि आपको सेवन मार्केट बेस से और इनकम बेस से जो आपकी वैल्यू निकल रही है उसको इंटू थ्री देना है तो आप इससे वैल्यू इनफैक्ट दोनों की वैल्यू पर शेयर निकाल के ये रेशियो से वेटेड एवरेज निकाल लीजिए वो आपकी फेयर वैल्यू होगी इफ़ यू प्लान टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन दिस इज वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आरटीपी और एम में ये क्वेश्चन है होल्डिंग uh, कंपनी ने सब्सिडी को दस लाख का लोन दिया है रीपेबल ऑन डिमांड है तो उसे दस लाख में बुक करना है होल्डिंग सब्स subs, <coughs> दोनों की बुक्स में अनकंसॉलिडेटेड में सेट ऑफ हो जाएगा इनफैक्ट कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर केस में ऑफ सेट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट लोन इज रिपेबल आफ्टर थ्री इयर्स करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वेल्व परसेंट फॉर बोथ तो इस केस में आपको मानना होगा कि तीन साल में रिपेबल है तो तीन साल बाद मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं क्यों क्योंकि अपने आप आपने, आपने इंटरेस्ट फ्री लोन है तो 25 लाख आफ्टर थ्री इयर्स तो उसको ट्वेल्व परसेंट से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकल गई वो 25 फाइव से कमएगी डिफरेंस पेरेंट मांगेगा मानेगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ सब्सिडी और सब्सिडी मानेगी इट इज अक्विटी तो वो इक्विटी में क्रेडिट कर देगी और फिर उसके बाद ट्वेल्व पेरेंट इनकम बुक करते जाएगा इंटरेस्ट की और सब्सिडी एक्सपेंस बुक करती जाएगी ऐसी तीन साल की आपको जॉर्नल एंट्रीज देना पड़ेगी ताकि आपका लोन इफेक्टिवली पच्चीस पे आ जाएगा तीन साल बाद एंड देन उस पर रिपे हो जाएगा इसके बोला है तो मतलब है है यू फंड्स फंड्स तो मतलब सिंपली ये होता कि कि आपको इस केस में करना पड़ेगा कि क्या है कब तक पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा ऐसा आपको समझाना है और बोलना तीन साल का ही है तो जैसा हमने में किया है, सेम वैसी करना आपको है तो ये यूज करना चाहिए ये क्वेश्चन हमारा अपने आप में देखा जाए तो दिस इज नॉट वन ऑफ दो पर्टिकुलर क्वेश्चन इज देयर एग्जैक्टली सिमिलरली इन द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल और ऑल इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर जरूर है इससे रिलेटेड एफ आर पावर में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था बट नॉट द सेम सिमिलर टू इट दिस पर्टिकुलर केस वॉट इज आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं डक लिमिटेड एंड स्वान लिमिटेड सॉरी एक क्वेश्चन है जिसमें दो कंपनी है डक लिमिटेड एंड स्वान लिमिटेड आपको बोला है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपको डक लिमिटेड का निकालना है तो इसका बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों निकालना है और स्वान लिमिटेड का आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है इन बेसिक ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है तो लॉ इन दिस केस एक चीज समझना स्वान लिमिटेड और डक लिमिटेड दोनों में कंटिन्यूइंग और डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों है और जब ऐसा होता है तो तीन ईपीएस निकलते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों एक कंटिन्यूइंग से, से तो कंटिन्यूइंग में आप टू लाखी टू थाउजेंड ले लेंगे और टोटल एट्टी ये करके निकाल देंगे इससे बेसिक ईपीएस आ जाएगा डायल्यूट ईपीएस में आपके क्योंकि इंक्रीमेंटल शेयर डिनोमिनेटर पर इंपैक्ट आएगा में नहीं सोलह हजार के आप एड कर देंगे पर अब सवाल ये उठता है किउजेंड को कंसिडर करें या ना करें तो डायल्यूटिव ईपीएस निकालते समय एक रूल होता है जो कहता है इन केस ऑफ डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन एनी पोटेंशियल ओनली इफ इट इज डायल्यूटिंग पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूंग क्योंकि इसके प्रॉफिट है इसलिए यहां पर डायल्यूशन होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में बढ़ने से प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर शेयर कम होगा पर क्योंकि लॉसेज है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में भले ही ऑल ऑपरेशन में प्रॉफिट है

चलिए देन पीक्यूआर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए पीपी यूज कर रहा था और उसने एक ऑफिस बिल्डिंग को लीज कर दिया थर्ड पार्टी को क्यों क्योंकि वो खुद कोई नई बिल्डिंग में रिलोकेट हो गया तो क्या पीपी को रिक्लासीफाई कर सकते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो अब इंटेंशन बेस्ड नहीं हो सकता है पर यूज चेंज हुआ है तो हो सकता है क्योंकि यहाँ यूज चेंज हो गया है इसलिए आप इसको रिक्लासीफाई कर सकते हो और कैरिंग अमाउंट पर रिक्लासीफाई होगा इन्होंने पूछा है कि कैसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा तो आप बोल सकते हो इंडिया सेट का क्वेश्चन है या फोर्टी का है पर उसमें कहा गया है कि रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग फोर्टी में कैरिंग अमाउंट पर करी जाती है ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटीरियल का है सिंपली जैसा इंटरेस्ट फ्री लोन की अकाउंटिंग है सेम वैसी अकाउंटिंग यहाँ पे होगी पाँच साल का लीज पीरियड है सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्वेंटी लाख का है और इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो आपको ट्वेंटी लाख को इससे डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो बीस लाख से कमाएगी डिफरेंस को प्रीपेड रेंटल मानना है और उसको आपको ओमोटाइज करना पड़ेगा मार्केट रेट नौ दिया हुआ है और इसी की ये फैक्टर दिया हुआ है उसको यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन ऑफ इंडिया टू एंड वेरी मच आज जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग आम श्योर यूल एबल टू डू इट डायरेक्टली इसमें बस बाई प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है आठ हजार इन प्राइस दी हुई है दस माइनस प्रोसेसिंग चार्जेस और पैकिंग चार्जेस जो नेट अमाउंट है उसे इन ऑफ बाई प्रोडक्ट मानेंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको कम कर देंगे चलिए और यह आखिरी क्वेश्चन आपका कंसॉलिडेशन से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है अलग अलग चार केसेज दिए हुए हैं सब में कितने ओंड है एक बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है गुडविल कैपिटल रिजर्व और एनसीआई कैसे कैलकुलेट होगी पी एस एन ए मेथ से द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस रिनालिसिस जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट्स विद पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नॉट हेल्पिंग यू टू काइंड ऑफ ऑन योर नेक्स्ट पेपर्स यू कैन जस्ट काइंड ऑफ लिसन टू दिस एंड डू दिस कंप्लीट आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद इच्छा हो तो देखना अदरवाइज मत देखना कोई जरूरत नहीं है दिस इज वॉट आई टोल्ड इन द बिगनिंग ऑल्सो बट जिन भी अटैप्टी टू और उसके आगे के हैं दे शु डेफिनेटली लुक एट दिस पर्टिकुलर रिविजन उससे आपको इतना समझ में आएगी कि इंस्टीट्यूट किस तरह के पेपर पूछ रहा है पेपर वॉज वेरी मच डूएबल कुड बी टर्म्ड एज अ लिडल एन दी बट डेफिनेटली फ्रॉम स्टडी मटीरियल आरटीपीएन क्वेश्चन चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन और जब आपकी जरूरत हो उस समय जरूरत अनुसार इस वीडियो को देखिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेट ऑफ एग्जाम्स थैंक यू टाटा बाय बाय